हेलो एंड वेलकम, जोहार, नमस्कार। मैं एमएस सर की पाठशाला में आप सभी का हजारों बागों की नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूं। तू हंस तू मुस्कुरा, तू जिंदा है और जिंदगी के नाक में दम कर दे, क्यों मंजिल पाना है इसलिए, माता पिता के सपनों को साकार करना है इसलिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नाक में दम करते हैं। क्लास 10 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1.7 और 4.3 को मिलाने वाले रेखाखंड 2.3 के रूप में विभाजित करता है। मतलब यहां यह बात हो गया, एक रेखाखंड बनाइए, इसका नाम हम और आप अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी दे सकते हैं, पी क्यू। तो माना कि उस रेखाखंड का एक बिंदु है P, जिसका निर्देशांक है -1.7, Q का निर्देशांक भी दिया हुआ है 4.-3। अब बोलता है कि मिलाने वाले रेखाखंड को 2.3 के रूप में विभाजित करता है। ये वाला जो है यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं R, और ये जो R बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है तो x, y इसको माना पड़ेगा, और P और R जो है वह इसको थोड़ा सा और इधर खिसका देता हूं, ये यहां लीजिए, ये 2 हो जाएगा और ये 3। पी क्यू को जो आर बिंदु है वह 2:3 में विभाजित करता है इसलिए। तो चलिए हल शुरू किए कर चुके हैं, इसकी थोड़ी सी बातें को हम लोग यहां बढ़ाते हैं। क्या है, माना कि क्या माना है, बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक -1.7 तथा बिंदु Q का निर्देशांक कितना दिया हुआ है 4.-3 एवं बिंदु R का निर्देशांक कितना x, y माना है, तथा और लिख दीजिए, और अनुपात की चर्चा है, और अनुपात भी लिख दीजिए। अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 2:3, या अनुपात जैसे लिखेंगे यहां m1:m2 भी लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, और लगा दीजिएगा बराबर, तो m1 का वैल्यू हो जाएगा 2 और m2 का वैल्यू हो जाएगा 3, अनुपात हो गया। अब क्या करना है, r बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इसलिए बिंदु r का निर्देशांक, बिंदु r का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, x, y दिया हुआ है। अब यहां पे हम लोगों को अनुपात वाला विभाजन सूत्र वाला यूज करना है, वह क्या है फॉर्मूला, x का अलग y का अलग होता है, साथ में लेके चलेंगे, m1 × x2 + m2 × x1, y क्या हो जाएगा m1 + m2। ये x का हो गया, कॉमा दे दीजिए, यहां y अलग हो जाएगा, m1 × y2 m2 × y1 by m1 + m2 हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अब इसकी वैल्यू इसमें पुट करो, m1 और x2, m1 कितना भाई, तो देखिए m1 2 है, 2 × x2 कितना है, तो यहां से लेंगे ये हमारा हो जाएगा -1 जो है x, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, तो 4 प्लस m2 कितना है 3 है, मल्टीप्लाई -1 बाय m1 + m2, मतलब 2 + 3, कॉमा दे दीजिए। अब इधर आइए, m1 का मान 2, y2 लिखा हुआ है -3 लगा दीजिए, फिर प्लस है m2 3 है, अब y1 कितना 7 × 7 बटा m1 + m2, मतलब 2 + 3। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा,
आठ आएगा यहाँ, चार दुनिया आठ प्लस माइनस माइनस, लेकिन हो जाएगा माइनस तीन और तीन और दो पांच, कॉमा यहाँ जाएगा माइनस छः, तीन दुनी छः प्लस है और तीन सत्तर इक्कीस हो गया, ये सेवन है ट्वेंटी वन और आ गया पांच। फिर आगे बढ़िए, यहाँ इक्वल का सिंबल, आठ पे गया तीन तो आया पांच बटा पांच, कॉमा इक्कीस में छः घटाएंगे तो आएगा पंद्रह बटा पांच। अब पांच का पारा में पांच करता है एक बार में, यहाँ पांच दिया पंद्रह मतलब एक कॉमा तीन। तो क्या पूछा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो यहां लिख दीजिए अतः अभीष्ट निर्देशांक, अभीष्ट निर्देशांक, या तो आप यह भी लिख सकते हैं बिंदु R का निर्देशांक x कॉमा y बराबर एक कॉमा तीन, ये रहा आपका। क्वेश्चन नंबर टू की ओर चलते हैं, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे। बिंदुओं चार कॉमा माइनस एक, फिर आगे दूसरा बिंदु माइनस टू कॉमा माइनस तीन को जोड़ने वाली रेखा खंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा खंड लिया, नाम अपनी सुविधा के अनुसार आप कुछ भी दे सकते हैं, इसको आपको कोई नहीं रोकेगा। अब यहाँ जब नाम दिया तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ए बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है चार कॉमा माइनस एक और बिंदु बी का निर्देशांक दिया हुआ है माइनस दो कॉमा माइनस तीन। अब यह ए और बी दिया हुआ है, इसको बोलता है इन दोनों को जोड़ने वाले रेखा खंड को सम त्रिभाजित करता है, मतलब ए बी तीन भागों में बढ़ता है और सम त्रिभाजित मतलब बराबर होना चाहिए। तो यहां पे मैं इसका नाम दे दिया पी क्यू। अब पी क्यू की जगह पे एक्स, पी क्यू के बाद यहाँ पे एक्स वाई भी लिख सकते हैं, इसमें भी एक्स वाई लिख सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। तो सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब बिंदु P का निर्देशांक और बिंदु Q का निर्देशांक ज्ञात करना है। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर विभाजन सूत्र का उपयोग करना है और चलिए शुरू करते हैं, यहां लिखते हैं हल। पूरा प्रश्नावली में विभाजन सूत्र उपयोग है, तो क्या लिखेंगे हल में, माना कि बिंदु A का निर्देशांक तो क्या हो जाएगा चार कॉमा माइनस एक तथा बिंदु बी का निर्देशांक कितना है माइनस टू कॉमा माइनस थ्री। अनुपात दिया हुआ है लेकिन अनुपात यहां चेंज हो जाएगा, जैसे जब पी बिंदु का निर्देशांक लेंगे तो यहां अनुपात चेंज हो जाता है, क्यू का लेंगे तो चेंज हो जाएगा, तो इसलिए अनुपात में यहां नहीं लिख रहा हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो एम वन अनुपात M2 मान सकते हैं। चले एक छोटी सी भाषा लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। माना कि रेखाखंड AB, ये रेखाखंड है AB के सम त्रिभाजित करने वाले, माना कि रेखाखंड AB को सम त्रिभाजित करने वाले कौन कौन से बिंदु है, करने वाले बिंदु P और Q है। अब भाई सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु मिल गया P और Q, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अर्थात क्या ऐसे लिख सकते हैं एपी जो है वह बराबर है किसका, पी क्यू का, पी क्यू बराबर है क्यू बी का या बी क्यू का, क्यू बी भी लिख सकते हो बी क्यू भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये तीनों खंड जो है वह बराबर है, सम त्रिभाजित मतलब यही होता है, चूंकि चूंकि बिंदु P जो है, चूंकि बिंदु P
रेखाखंड एबी को विभाजित कर रही है। रेखाखंड एबी को कितने भागों में बांट रहा है? ये हो गया एक भाग, इधर हो गया एक और एक दो। तो बिंदु पी रेखाखंड एबी को 1:2 में विभाजित करती है। अब जब 1:2 में विभाजित कर रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो गया कि हमारा M1 और M2 आ गया है। इसलिए अनुपात M1 अनुपात M2 बराबर 1:2 हो गया। अब तथा बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो जब बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो यहां फॉर्मूला में कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई? तो वही विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र में x और y दोनों होते हैं, तो चलिए लिखते हैं M1 × x2 + M1 × x1 / M1 + M2। कॉमा दे दीजिए क्योंकि यहां x और y के बीच में कॉमा दी है, और M1 × y2 + यहां 2 होगा M1 M2 और Y1, नीचे M1 + M2, वही वाली फॉर्मूला। अब मुझे इसको इरेज करने की आवश्यकता है, मैं यहां से उठा लूंगा। आपको ध्यान रखना है कि इसके मान अब बैठाना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये रहा पूरा का पूरा समाप्त। अब M1 की जगह पे क्या बैठेगा भाई? M1 की जगह पे बैठेगा 1 × x2, x2 की जगह पे बैठेगा -2 + M2 है, M2 की जगह पे 2 बैठेगा, और x1 है, x1 की जगह पे 4 बैठेगा, बटा 1 + 2, क्यों? M1 और + M2 मतलब 1 + 2 है। कॉमा लगाइए और y की ओर चलते हैं। यहां M1 है, 1 हो जाएगा, y2 कितना है? -1 + M2 कितना? 2 / -3 / कितना हो जाएगा? 1 + 2। चलो भाई इसको निकालना है। ये हो जाएगा -2, यह हो जाएगा 4 × 8 / हो जाएगा 2 × 1 = 3 / यह हो जाएगा -1 और ± 6/3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 8 में गया 2 तो आएगा 6/3, यहां -7/3। इसको कट लगा सकते हैं तो आपके पास आएगा 2 − -7/3, 2 − -7/3। तो सही कहा गया है कि ध्यान भटका तो दुर्घटना घटा। तो यहां ध्यान भटक गया कैसे? क्योंकि मेरा रेखाखंड गायब हो गया, और रेखाखंड गायब हो गया तो यहां पे y2 और y1 के जगह पे एक चूक हो गई। ये वाली जो है -1, ये y1 है, ये वाली जो है y2 है। तो भाई अभी तो समय रहते हैं चित, मैं तो बच गया, आप सुधर जाना, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगा, उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। यहां हो जाएगा -3 और यहां हो जाएगा -2। तो -3 और -2 को ऐड किया तो -5 आ जाएगा, -5/3। तो बिंदु P का निर्देशांक वही निकल रहे थे, 2 − −5/3 आएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। एक और बिंदु बचा हुआ था, बिंदु Q। तो बिंदु Q जो है, लिखना पड़ेगा थोड़ी सी भाषा, क्योंकि बिंदु Q रेखाखंड AB को 2:1 में विभाजित करती है, इसलिए अनुपात बराबर मतलब M1 / M2 कितना आ जाएगा?
2:1, ये चीज ध्यान रखिएगा, रेखाखंड भी मिट गया, नहीं तो भी मैं बनाकर दिखा देता आपको। जैसे ये रहा पी क्यू ए बी, तो ये लेना है पी बिंदु, एक भाग दो भाग हो क्या इधर एक भाग, ये ध्यान रखिएगा आप, नहीं तो इसकी पूरी जिम्मेवारी है कि मिस्टेक हो सकता है और आप भी करोगे। तथा बिंदु Q का निर्देशांक, तो बिंदु Q का निर्देशांक रेडी, तो किसी भी बिंदु का निर्देशांक निकाल रहे हैं हम लोग, तो हम लोग मान क्या रहे हैं x कमा y, और जब x कमा y लिख रहे हैं तो विभाजन सूत्र की आवश्यकता पड़ रही है, ऑलरेडी विभाजन सूत्र मेरा लिखा हुआ है, आप उसी फॉर्मूला को बैठा लीजिएगा, लेकिन सावधान रहिएगा मान बैठाने के वक्त थोड़ी सी भी चूक भी इधर उधर हुआ तो उसकी पूर्ण जिम्मेवारी आपकी होगी, मैं तो यहाँ सब कुछ ठीक ठाक कर लूंगा, आपका क्या होगा जनाबे आली आप सोच लीजिएगा। चलो भाई, तो मैंने बातों में ही फॉर्मूला लिख लिया और मान बैठाते हैं। इसमें m1 कट जगह पे 2 बैठेगा मल्टीप्लाई x2, भाई ध्यान रखिएगा ये हमारा है माइनस टू, एक्स टू माइनस टू हो गया, प्लस m2 कितना है 1 और हो जाएगा x1 4 बटा 2 प्लस 1, फिर m1 है m1 2 है मल्टीप्लाई y2 माइनस 3 होगा प्लस यहाँ m2 है, m2 के जगह पे क्या लिखना है 1 लिखना है 1 और y1 के जगह पे माइनस 1, नीचे हो जाएगा 2 प्लस 3, ये हो गया भाई। इसको सॉल्व करो 2 × 2 = 4, लेकिन प्लस माइनस माइनस 4, यहाँ जगह 2 × 3 और माइनस 6 प्लस माइनस माइनस 1 बटा यहाँ 1 होगा, देखे बच गया, फिर गड़बड़ हो रहा हो जाता, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि संभल के लिखा करना, और माइनस 4 और 4 तो घट गया तो आ गया कितना 0/3 और यहाँ कितना -6, 1 मतलब -7/3, इसको 0, -7/3 कर सकते हैं, 0, -7/3 कर सकते हैं। तो नीचे अंतिम में यही लिख दीजिए क्या, अतः बिंदु P का निर्देशांक क्या लाया था, तो लाए थे हम लोग वहां एक में था 2 और एक में था -5/3, अंडरलाइन कर दीजिएगा, तथा बिंदु P के बाद Q था, Q का निर्देशांक, तो इसका x कॉमा y लिखना चाहते लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, 0, -7/3 ये रहा आपका भाई आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं पूरी बात मैंने समझाने की कोशिश किया, विभाजन सूत्र आपको समझाने की कोशिश किया, अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए तो कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।